गौतम शाह जुड़े हैं आइए उनसे समझते हैं कि इस समय मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति है गौतम जी गुड मॉर्निंग पहली बार मार्केट में इतना शार्प करेक्शन और न सिर्फ प्राइस करेक्शन बल्कि एक टाइम करेक्शन भी इस समय आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कहाँ तक जाएगा ये क्या ये लेने का मौका है इस समय मार्केट्स में या फिर अभी भी हायर लेवल पर आपको लग रहा है कि सेलिंग आती रहेगी गुड मॉर्निंग अनुज देखिए बाजार जब अक्टूबर के स्टार्टिंग से जब गिरना शुरू हुआ तो ये लग रहा था कि इस बार एक सिंपल सा करेक्शन नहीं होगा क्योंकि जो ट्रिगर्स थे चाहे वो इंडिकेटर्स पे हो चाहे वो ब्रेक स्टडीज पे हो वो ये कह रहे थे कि मार्केट्स में थोड़ी सी डीपर करेक्शन हो सकती है और पिछले तीन तीन साढ़े तीन सालों में हमने देखा है कि कई बार आठ दस बारह परसेंट की करेक्शन हुई है वो मार्केट को एक शेकआउट कर देता है लोग डर जाते हैं लोगों को लगता है कि बुल मार्केट खत्म हो गया पर वो मार्केट को एक्चुअली हेल्दी करता है और उसके बाद एक टर्न अराउंड आती है सो so, मे, मेरा ये मानना है कि चौबीस हजार के आसपास मार्केट में अच्छा सपोर्ट है इनफैक्ट हमारा ये वर्किंग टारगेट था जब अक्टूबर में जब मार्केट गिरना शुरू हुआ और चौबीस हजार के आसपास मुझे लग रहा है कि मार्केट स्टेबल हो जाएगा क्योंकि जो स्टडीज हमें ओवर बॉट लग रहे थे चार हफ्ता पहले अब वो सारे स्टडीज ओवर सोल्ड है चाहे आप ब्रेथ स्टडीज को देख लीजिए इंडिकेटर स्टडीज को देख लीजिए सेंटिमेंट को देख लीजिए

आ, आ, दो से तीन महीने का व्यू है बट ओवरऑल अगर आप एक साल का व्यू देखें तो हमारा मानना है कि 26,800 एक वर्किंग टारगेट है निफ्टी के लिए और बैंक्स आईटी और मेटल्स ये तीन सेक्टर्स हमारे फेवरेट्स हैं इस लेवल्स पे ओके बैंक्स आईटी और मेटल्स से तीन फेवरेट्स हैं बैंक से शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी पर फिर अब अगर कोई लॉन्ग लिया जाए तो उसमें क्या एक स्टॉप लॉस रखें गौतम जी और क्या टारगेट्स बनाए फिर देखिए बैंक निफ्टी अगर आप पिछले छह महीने की एक्शन को देखें तो एक चार हजार पॉइंट के रेंज में रहा है फिफ्टी थाउजेंड और देर अबाउट ऑन द डाउन साइड एंड फिफ्टी फोर थाउजेंड ऑन द अप साइड तो इसी रेंज में ये ऑसोलेट कर रहा है एक पेंडुलम की तरह और जिस तरह से बड़े स्टॉक्स मूव करते हैं उस उस तरफ से ये 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 इंडेक्स मूव कर रहा था अब ये दो दिन पहले 50,000 के आसपास गया और आज इसमें हम अच्छा रिबाउंड देख रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई बैंक्स है जो अच्छे कर रहे हैं और कई बैंक्स जो खराब कर रहे हैं आज आज आपने देखा कि यू नो एच डी एफ सी बैंक आईसीआईसी बैंक कितने स्ट्रांग है और वही इंडस्ट्रीड बैंक फ्राइडे को कितना डाउन था सो इट्स अ वेरी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट विद इन द ओवरऑल सेक्टर्स एज वेल बट अगर किसी को बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से 49,500 एक बहुत सपोर्ट है। है, जब तक वो नंबर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होता चांसेस ऑफ बैंक आईसीआई और एस बी आई है इन तीनों में ही रहने चाहिए बाकी के बैंक को अवॉइड करने चाहिए गौतम जी गुड मॉर्निंग इस पूरे फॉल में आई I मीन mean, हमने अभी निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात की निफ्टी बैंक की बात की लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ इम्पैक्ट रहा जहाँ पेन था जहाँ रिट्रेसमेंट्स थे वाइल्ड वो था कैपिल गुड्स और एक एफ आई थिंक मेरे ख्याल से ये मंथ जो है वो एफ के एंटायर करियर का सबसे पेनफुल मंथ था सबसे बड़ा डिक्लाइन ही था आप लोगों ने इन, इन दो पॉकेट्स पे व्यू क्या बनाया है ऑल दो नो डाउट कि यह अर्निंग्स का प्राइस डैमेज था

स्टॉक्स या जो सेक्टर्स स्टोरी के बेस पे चल रहे थे वो खत्म हो गया और जो स्टॉक्स अर्निंग्स के बेस पे चल रहे थे वो अभी भी स्टेडी है बट कैपिटल गुड्स मेरे हिसाब से एक लंबी स्टोरी है इंडिया के लिए अगर अगर किसी का तीन से पांच साल का व्यू है तो कैपिटल गुड्स अभी भी अच्छा लगता है यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद सीमेंस एंड एबीबी एंड लार्सन एंड टू इट इज जस्ट दैट वो इतना चल गए थे कि वहां पर एक करेक्शन बनता था वो करेक्शन हुई है अब लग रहा है कि यहाँ पर वो स्टेबिलाईज कर जाएगा एफ में अगर आप देखें हाँ ब्रॉड बेसिस पे तो काफी बड़ा डैमेज है बट आई अभी भी 480 पे चल रहा है तो ऐसा कोई बड़ा करेक्शन हुआ नहीं है एच में डेफिनेटली बड़ा करेक्शन आया है बट हमारा फेवरेट इस लेवल्स पे अभी भी आई है और मुझे लग रहा है कि इस दिवाली से अगले दिवाली तक अगर एक हाई कन्विक्शन आइडिया है तो डेफिनेटली आई टी इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट अच्छी करेक्शन आई है जो कंसोलिडेशन होना था हो गया चार सौ के लेवल्स में ज्यादा कुछ होने का है नहीं और अगर ये स्टॉक चल गया जो मेरा मानना है चल सकता है तो 550, और 600 तक जा सकता है तो कैपिटल गुड्स और एफ को आई थिंक एक टेम्प्रेरी करेक्शन कोई मानिए कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हुआ नहीं है जैसी बाजार स्टेबिलाईज करेगा ये दो सेक्टर्स भी वापस आ जाएंगे ओके चलिए तो यहाँ पे आपने आई का जिक्र कर दिया गौतम जी अच्छा अभी आपने क्योंकि मेरे प्रश्न के उत्तर में डिफेंस का जिक्र कर ही दिया तो उसको भी थोड़ा लग, यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में मैंने लेते हैं डिफेंस में चाहे वो एचूएल हो ये हिंदुस्तान एयनोटिक्स हो बी एल दोनों हेरिंग टूट्स टू डी एक्सप्रीशिंग एवरेज पी में काफ़ी डैमेज हुआ है एक एक अगर अप्रोच रखनी हो पी में अब इसको मैं हेडलाइन अगर पी मान के चलूँ यहाँ पर आप लोअर लेवल्स पर किस किस किन किन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं इस वक्त पी में देखिये आज के मार्केट में हर कोई ये देख रहा है कि ऊपर के लेवल से स्टॉक्स कितने गिरे हैं सब ये बोल रहे हैं कि अरे ऊपर से 20 परसेंट गिर गया या 30 परसेंट गिर गया चालीस परसेंट गिर गया बट कोई ये नहीं देख रहा है कि पिछले डेढ़ साल में ये सेम स्टॉक्स या तो 2x हुए हैं या 3x हुए हैं या 5x हुए हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो फॉल हुई है पिछले एक डेढ़ महीनों में ये काफी नॉर्मल सा है दिस इज मार्केट साइकिल अगर कोई चीज में वर्टिकल मूव आता है तो मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन इज यूजुअली दैट शार्प मेरे हिसाब से नॉर्मल है डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में अभी जाना नहीं चाहिए अभी भी और कंसोलिडेशन होगा बिफोर दे एक्चुअली टर्न अराउंड बट पीएसयू में सेलेक्टिव बाइंग कर सकते हैं आई थिंक पावर पीएसयूज लुक वेरी इंटरेस्टिंग एट दीज प्राइजेसू बैंक पर्टिकुलरली टॉप पीएसयू बैंक जो हमारी है एस बी आई आई थिंक वहां पर अच्छी कमिटमेंट बना सकती है बना सकते हैं क्योंकि डाउन साइड एकदम नहीं है अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छे हैं वैल्युएशन अच्छे हैं चार्ट अच्छे हैं अर्निंग्स विजिबिलिटी है एंड यू कान गो रॉन्ग इन स्टॉक विच इज एट नाइन टेन पी सो आई थिंक पीएसयू बैंक सेलेक्ट पीएसयू बैंक और पावर पीएसयूज वहां पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाइए जो और जो बाकी के जो स्टोरी ड्रिवन पीएसयूज़ एस है वहां से दो रही ओके okay. अच्छा एक स्टॉक स्पेसिफिक यू चाहूंगा आपसे इंडिगो पर आज जो करेक्शन आई दस परसेंट की हालांकि ऑफ डेज लो लेकिन क्या ये मौका है यहाँ पर बाय करने का या अब यहाँ पर भी कुछ टॉपिश साइंस दिख रहे हैं अनुज आई एम हाइम लिटल कंसर्न इंडिगो के रिजल्ट्स के बाद और इंडिगो का स्टॉक रिएक्शन के बाद क्योंकि अगर ऐसी कंपनी में इतने इतना बड़ा लॉस अगर आता है तो मार्केट का ये जो रिएक्शन है ये काफी नॉर्मल है और वैसे अगर आप देखिए तो लोग आजकल स्लो डाउन की थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली गोल्डी लॉक्स में थोड़ा सा कंजम्पशन स्टॉक्स को क्लोजली देख रहे हैं एक आइडिया लेने के लिए कि एक्चुअल स्लो डाउन है कि नहीं लग रहा है कि है क्योंकि जिस तरह की डेटा आ रही है उससे लग रहा है बट अगर आप इंडिगो की बात करें आई डोंट थिंक यू कैन गो रॉन्ग फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से ये करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी है डोंट बी इन अ हरी टू बाय क्योंकि ये स्टॉक पिछले एक साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है यू uh, नो you know, इस पूरे सेक्टर में 36 3700 के लेवल्स पे अच्छे लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स है उसके आसपास खरीदारी करनी चाहिए और अगर किसी का 12 से 18 महीना का व्यू है तो मुझे लगता है कि यहाँ से इंडिगो वापस 5000 के ऊपर जा सकता है गौतम जी बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए और आपको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं थैंक यू मच आपको और आपके पूरी टीम को